हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स की शेडिंग के बारे में कि आप किस किस तरह से शेडिंग कर सकते हैं परफेक्टली, जिससे आपको बहुत इजीली मतलब शेडिंग करना आ जाए। कहीं मतलब कुछ पिक ऐसी है जिसमें आप मान लो आप शेडिंग समझ भी नहीं आ रही, तो आप किस तरह से मतलब शेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर कौन सी टेक्निक शेडिंग की यूज़ कर सकते हैं, हैंड में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, स्किन टेक्सचर में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है शेडिंग की। तो चलिए फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो है कि हैचिंग। आपको सिर्फ हैचिंग मतलब लाइंस लगानी है इसमें। काफ़ी स्केच मतलब जब हम स्टार्टिंग करते हैं स्केच में, तो मतलब मैं बेसिकली मतलब काफ़ी जो एक मैंने अभी वीडियो भी डाली थी जो कि 1 मिनट एक सिंगल पेंसिल यूज़ था, उसमें सिर्फ मैंने हैचिंग ही की है। कई जगह क्रॉस हैचिंग की है या सिर्फ हैचिंग ही की है, उसमें को कहीं भी कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ हैचिंग करनी है। इसमें भी लेयर वाइज आपको काम करना पड़ता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जितना भी है मतलब आपको डार्क करना हो। जिस तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर डार्क मतलब सेकेंड लेयर मैंने पेंसिल चेंज कर ली है, डार्क पेंसिल ली है। बेसिकली जो कलर स्केच होते हैं वो मैं हैचिंग से ही बनाता हूँ और बाद में उसको ब्लेंड करता हूँ। हैचिंग मतलब एक ही, आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है। एंड नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है क्रॉस हैचिंग की। क्रॉस हैचिंग से भी मैं करता ही रहता हूँ, फेस पे भी मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ फेस पे। मान लो शेडिंग करनी हो तो मैं क्रॉस हैचिंग करता हूँ, बहुत लाइट पेंसिल सबसे पहले क्रॉस हैचिंग करता हूँ, फिर उसके बाद उसको ब्लेंड करता हूँ। अलग से स्केच भी बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस हैचिंग ही है। काफ़ी मज़ा आता है इस तरह से स्केच बनाने में। इसको भी आप लेयर वाइज ही करना होता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ताकि जिससे ये ब्लेंड हो सके और पैच का पता ना चले। एंड नेक्स्ट है काउंटरिंग। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टेक्निक है। मतलब मान लो आप जिस तरह से शेप जा रही है उस तरह से आपको इसमें शेडिंग करनी होती है। ये काम आती है मान लो आप हाथ बना रहे हो, उसमें जो रिंकल्स आपको बनाने होते हैं हाथ में, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आती है। मतलब जिस तरह से शेप जा रही है आपको उस तरह की शेप की डायरेक्शन में आपको शेडिंग करनी होती है। अब इसमें शेडिंग करने के बाद ब्लेंड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट आपको ये मेन जानना जरूरी है कि किस तरह की शेडिंग कौन से मतलब पार्ट में, बॉडी पार्ट में, स्किन में काम आती है। इसमें भी आप लेयर वाइज ही काम करना है आपको, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ताकि डार्क हो जाए और बाद में पैच ना आए और आसानी से ब्लेंड हो जाए। एंड नेक्स्ट है क्रॉस कंट्रिंग। ये भी सेम आप यूज़ करते हो कर सकते हो, हैंड में रिंकल्स बनाने, जहाँ रिंकल्स मतलब डार्क दिखाने, उसके साइड में जो शेडिंग पार्ट होता है वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको फ्रूट्स बनाने हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो कंट्रिंग और क्रॉस कंट्रिंग। बेसिकली फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा काम आती है, फ्रूट्स की ड्राइंग करने में, रियलिस्टिक ड्राइंग करने में फ्रूट्स वगैरह की।
इसमें भी आप लेयर वाइज ही काम करना है। एंड नेक्स्ट है हमारी सर्कुलिज्म। इस तरह की शेडिंग करने में सीरियसली बहुत मज़ा आता है। आप इसको हैंड में जो फर्स्ट लेयर हम लगाते हैं उसमें कर सकते हैं। याद रखें कि ये फर्स्ट लेयर में काम आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। इसको भी आप लेयर वाइज कर सकते हैं, हैंड में करना हो या स्किन टेक्सचर, मतलब फर्स्ट लेयर में काम हो सकता है। ये फर्स्ट लेयर में मतलब बेसिकली की जाती है। इससे आप कार्ड वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो। कोई किसी भी तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग मतलब आपको करनी हो उसमें बहुत अच्छी लगती है ये। एंड जो नेक्स्ट है वो है रैंडम लाइंस। जैसे उसमें हमने सर्कल सर्कल लगाए थे, इसमें आपको लाइंस लगानी है रैंडमली। आपको कुछ होगा आपने स्टिपलिंग आर्ट के बारे में, आपको सिर्फ डॉट डॉट से पूरी आर्ट मतलब जो कुछ भी बनाना है पूरी डॉट डॉट से बना सकते हैं। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कम डॉट्स लगानी है, कहाँ पे ज़्यादा डॉट्स लगानी है, जिससे कि जो हम स्केच करके जो रियलिस्टिक पार्ट दिखा सकें वो हम मतलब अच्छे से दिखा पाएँ। बस शेडिंग की जगह आपको डॉट्स